नमस्कार, मैं हुशवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। परिवहन विभाग ने सभी डीटीओ को भेजा निर्देश, अब मनमाने तरीके से लोग नहीं करा सकेंगे बोर्डिंग। विश्वविद्यालयों में सत्र लेट की वजह से छात्रों का भविष्य अधर में। रणजी ट्रॉफी के लिए बिहार की टीम घोषित। ईशान किशन की शानदार पारी पर माँ बोली, मुझे गर्व है अपने बेटे पर। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। परिवहन विभाग ने सभी डीटीओ को भेजा निर्देश। परिवहन विभाग ने सभी जिलों के डीटीओ से स्कूल बस सहित अन्य स्कूली बच्चों को स्कूल से घर ले जाने वाले हर छोटी बड़ी गाड़ियों का पूरा ब्यौरा मांगा है। साथ ही स्कूल के बाहर खड़ी स्कूली गाड़ियों के लिए स्कूल प्रशासन को जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया है, ताकि बच्चे स्कूल से घर और घर से स्कूल सुरक्षित पहुँच सके। जिन स्कूलों के पास अपनी गाड़ियाँ नहीं हैं और निजी गाड़ी चालक उनके स्कूल से बच्चे उठाते हैं, तो उसकी निगरानी स्कूल की होगी। किसी भी घटना के बाद सबसे पहले स्कूल से बस या अन्य गाड़ी चालक के विषय में पूछा जाएगा। इस बार नगर निकाय चुनाव में रहेगा यह खास इंतजाम। राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर 12 दिसंबर तक कर्मियों को 2 शिफ्ट में तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। बता दें कि इस प्रशिक्षण के दौरान उन्हें ईवीएम से लेकर ऐप के इस्तेमाल, समय पर रिपोर्टिंग करने के बारे में अवगत कराया जाएगा। बता दें कि यह प्रशिक्षण जिन स्कूलों में दिया जा रहा है उनमें शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह हाई स्कूल गर्दनीबाग, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग समेत 4 और विद्यालय शामिल है। बताते चले कि यह नगर निकाय चुनाव का होना 18 और 23 दिसंबर को निर्धारित किया गया है। पटना जिले में पहले चरण में 18 दिसंबर को चुनाव किया जाएगा, तो वहीं दूसरे चरण में 28 दिसंबर को पटना नगर निगम के पद 70 वोटों के लिए मतदान केंद्रों पर वोट दिए जाएंगे। अब मनमाने तरीके से लोग नहीं करा सकेंगे बोरिंग। राज्य में हर वर्ष बारिश के खत्म होते ही भूजल का स्तर गिरने लगता है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार के स्तर पर हाल ही में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में जिलों से पानी से जुड़ी मिली रिपोर्ट की गहन समीक्षा के बाद एक बेहद अहम निर्णय लिया गया है। बता दें कि इस निर्णय के अनुसार अब कोई भी लोग मनमानी तरीके से बोरिंग नहीं करा सकेंगे। इसके साथ वैसे बोरिंग जो पहले से मौजूद हैं उनकी लघु जल संसाधन विभाग, कृषि, पीएचईडी और पंचायती राज विभाग के द्वारा मिलकर गिनती की जाएगी। फिलहाल राज्य सरकार की ओर से इस मामले में गाइडलाइन तैयार करने की जिम्मेदारी लघु संसाधन विभाग को दी गई है। वहीं गाइडलाइन तैयार होने के बाद में स्वीकृति पाने के लिए इसे कैबिनेट के पास भेज दिया जाएगा। रणजी ट्रॉफी के लिए बिहार की टीम घोषित। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा आयोजित सेंट्रल और कैंप में प्रदर्शन के आधार पर बीसीसीआई के द्वारा आयोजित की जाने वाली रणजी ट्रॉफी मुकाबले के लिए बिहार की टीम की घोषणा कर दी गई है, जिसमें बिहार की कप्तानी का जिम्मा आशुतोष अमन को दिया गया है, तो वहीं उप कप्तानी का जिम्मा सकीबुल गनी को दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार अपना पहला रणजी ट्रॉफी 13 दिसंबर को पटना के ऊर्जा स्टेडियम में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेलकर करेगा। वहीं बिहार की टीम में जिन खिलाड़ियों का चयन किया गया है उनमें सचिन सिंह, यशस्वी ऋषभ, विपिन सौरभ, अभिजीत साकेत, वीर प्रताप सिंह, हर्ष विक्रम सिंह, अनुज राज, ऋषभ राज, शिवम एस कुमार, मलय राज, बलजीत सिंह मिहारी, राघवेंद्र प्रताप सिंह और अधिराज जौहरी शामिल हैं। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने जारी की पीजी और स्नातक 5-1 की परीक्षा फॉर्म की तिथि। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर महेश मंडल ने अधिसूचना जारी कर पीजी और स्नातक 5-1 के परीक्षा फॉर्म की तिथि घोषित कर दी है। जारी की गई अधिसूचना के अनुसार पीजी सेमेस्टर रेगुलर और वोकेशनल कोर्स का परीक्षा फॉर्म के लिए आवेदन करने की तिथि 16 दिसंबर निर्धारित की गई है। इसके लिए छात्र केवल 22 दिसंबर तक ही आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा पीजी सेमेस्टर 1 के लिए विलंब शुल्क के साथ 23 से 26 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। वहीं अगर ग्रेजुएशन पार्ट 1 के फॉर्म की बात की जाए तो इसके भरने का समय 20 से 26 दिसंबर तक निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही वैसे छात्र जो समय पर इस परीक्षा फॉर्म को नहीं भर सकते हैं वे छात्र विलंब शुल्क के साथ 27 से 30 दिसंबर तक इस फॉर्म को ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। केबीसी जूनियर सीजन 14 के लिए भागलपुर की बेटी का हुआ चयन। कौन बनेगा करोड़पति जूनियर सीजन 14 के लिए बिहार के भागलपुर जिले के बेटी का चयन किया गया है। बता दें कि भागलपुर की जिस बेटी का चयन किया गया है वो 5वीं की छात्रा है और उनका नाम प्राप्ति शर्मा उर्फ पिहू है। मिली जानकारी के अनुसार पिहू की शूटिंग मशहूर सीन स्टार अमिताभ बच्चन के निर्देशन में 25 नवंबर और 6 दिसंबर को की गई थी। पिहू के टेलीकास्ट का समय 14 और 15 दिसंबर को निर्धारित किया गया है। बताते चले कि यह शो रात 9 बजे से 11 बजे के बीच सोनी एंटरटेनमेंट चैनल पर टेलीकास्ट किया जाएगा।
चार राज्यों को जोड़ने वाली इस एक्सप्रेसवे की निविदा प्रक्रिया हुई शुरू। बिहार सरकार ने सड़कों का जाल बखूबी बिछाया है। दूसरे राज्यों से बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित किया जा सके और व्यापारिक संबंध अच्छा हो, ताकि बिहार के लोगों को रोजी रोजगार का अवसर प्राप्त हो। इसी कड़ी में बिहार में वाराणसी रांची कोलकाता 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने वाला है, जो कि बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिले से होकर गुजरेगी। यह बिहार से कुल 4 राज्यों को जोड़ेगा। बिहार में एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का निर्माण कुल 162 किलोमीटर 3 मीटर हिस्से में होगा। रोहतास, औरंगाबाद और गया होते हुए यह सड़क झारखंड में प्रवेश करेगी। इसी के साथ यह बिहार से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड को जोड़ेगी। यह योजना पूरे 6 चरणों में पूरी होगी। आपको बताते चले कि इस ग्रीन फील्ड के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ईशान की शानदार पारी पर माँ बोली, मुझे गर्व है अपने बेटे पर। बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे मैच में बिहार के लाल ईशान किशन ने तूफानी पारी खेली। बता दें कि उन्होंने 126 बॉल में 200 रन का दोहरा शतक जड़ा, तो वहीं उन्होंने 131 बॉल में कुल 210 रन बनाए। ईशान किशन की शानदार पारी को लेकर एक तरफ जहां बिहार में खुशियां देखने को मिली, तो वहीं उनके घर में भी उनके माँ पापा ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। ईशान की माँ ने कहा कि मैं अपने बेटे की इस उपलब्धि से काफ़ी खुश हूँ और मैं उसके कॉल का इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे गर्व है कि मैंने किशन जैसे बेटे को जन्म दिया। मुझे पता था कि वह आगे जाकर खूब तरक्की करेगा, उसे सिर्फ मौके का इंतज़ार था। इसके साथ ही ईशान के पिता ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं इंसान इसके साथ ही ईशान के पिता ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं ईशान के जैसे एक बच्चे का पिता हूं। विश्वविद्यालयों में सत्र लेट की वजह से छात्रों का भविष्य अधर में। बिहार में कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनका सत्र लेट चल रहा है, यानी कि इनमें पढ़ने वाले लाख से अधिक स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें परीक्षा देने के सालों बाद भी अब तक रिजल्ट नहीं दिया गया है और ना ही उन्हें डिग्री मिल पाई है। ऐसे में आगे चलकर नौकरी के लिए आवेदन करने में काफ़ी असमर्थ हैं। वहीं विद्यार्थियों से तमाम तरह की लाखों करोड़ों रुपये फीस के नाम पर लेकर विश्वविद्यालय अभी तक यह सुनिश्चित नहीं कर पाया है कि डिग्री या परीक्षा कब तक पूरी कर पाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार जिन विश्वविद्यालयों ने बच्चों को डिग्री रिजल्ट नहीं दिया है, उनमें वैसे ही विश्वविद्यालय हैं जिन्हें सरकार की ओर से मान्यता नहीं मिली है। वहीं कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां उनके बनाए गए संस्था में तकनीकी विसंगतियों की वजह से छात्रों को रिजल्ट नहीं दिए गए हैं। वुमेन्स अंडर 19 क्रिकेट में बिहार ने जम्मू कश्मीर को हराया। बीते दिन शनिवार को पुणे के वीरांगना क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड में खेली गई वुमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए के मैच में बिहार ने जम्मू कश्मीर को 6 विकेट से हरा दिया। जम्मू कश्मीर के खिलाफ खेले गए इस मैच में बिहार की ओर से याश्रिता सिंह ने 60 रनों की शानदार पारी खेली, तो वहीं आर्या ने भी शानदार 41 रन की पारी खेली। इसके अलावा आर्या ने अपनी शानदार गेंदबाजी से जम्मू कश्मीर के 2 विकेट भी लिए। बताते चले कि जम्मू कश्मीर के द्वारा 50 ओवर में 8 विकेट खोकर कुल 212 रन बनाए। इसके जवाब में बिहार की टीम के द्वारा 35 ओवर 5 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर जम्मू कश्मीर के खिलाफ जीत हासिल कर ली। पटना के मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में बंद होगी मुफ्त पार्किंग की सेवा। राज्य की राजधानी पटना में स्थित मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में कल से यानी कि 12 दिसंबर से मुफ्त पार्किंग की सेवा बंद कर दी जाएगी। बता दें कि अभी यहां पर पार्किंग करने के लिए लोगों को कुछ राशि अदा करने होंगे। फिलहाल पार्किंग शुल्क लेने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। मिली जानकारी के अनुसार परिसर में 4 चक्का वाहन को 2 घंटे पार्क करने के लिए 20 रुपये अदा करने होंगे, तो वहीं 2 पहिया वाहन को 2 घंटे पार्क करने के लिए 10 रुपये देने होंगे। लेकिन इनमें उन लोगों को छूट दी जाएगी जिनका परिसर के अंदर दुकान हो या वहां मौजूद किसी दुकान या ऑफिस में काम करते हो। जदयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की कवायद तेज। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जदयू के वरिष्ठ नेता अनिल हेगड़े के द्वारा राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दूसरी बार चुन लिया गया है। वहीं ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जदयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की कवायद तेज हो गई है। बता दें कि नीतीश कुमार ने ललन सिंह को खुद यह जिम्मेदारी दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ललन सिंह के लिए इस बार अध्यक्ष बनने के बाद उनके सामने कई चुनौतियां आएंगी, जिनमें से सबसे पहली चुनौती 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को माना जा रहा है। अगर सरकार जमीन दे तो यहाँ फूड प्रोसेसिंग विश्वविद्यालय खोलने को तैयार हैं पशुपति पारस। बीते दिन शनिवार को संवाद कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री और रालोसपा प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावनाओं को लेकर बातें कही। इसके साथ ही उन्होंने अपने भतीजे और आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में भी बातें की। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार जमीनें देती हैं तो केंद्र यहां पर विश्वविद्यालय खोलेगा, जो देश में फूड प्रोसेसिंग की पढ़ाई वाला 3रा विश्वविद्यालय होगा। इसके साथ ही उन्होंने चिराग पासवान को लेकर कहा कि चिराग पासवान निष्पक्ष भाव के साथ उनके पास आए तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो इंसान हैं वह उनके अच्छे सलाहकार नहीं हैं।
प्रशांत किशोर ने सामने रखी अपने दिल की बात। चुनावी रणनीतिकार राजनीतिक और प्रशांत किशोर ने अपने जन स्वराज पद यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए अपने दिल की बात को सामने रखा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बहुत लोग कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, लेकिन मैं आज उनको बता रहा हूं कि आज देश में 6 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके बनने में हमने कंधा लगाया है। हम यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं, बल्कि मेरा जो अपने राज्य को लेकर सपना है कि मैं बिहार को देश के सबसे पिछड़े राज्य से देश के सबसे अग्रणी और समृद्ध राज्य के रूप में देखूं, मैं बस उसे पूरा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि जब गुजरात, महाराष्ट्र और केरल के लड़के बिहार में रोजगार ढूंढने आए, काम करने आए, तब ही बिहार का असल विकास हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बिहार के लोगों के आँख सही समय पर नहीं खुलेंगे तो आप सभी जो जिंदगी गरीबी में जीते आए हैं वही जिंदगी आने वाले 20 सालों तक जीना पड़ेगा। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी रविवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर और डीजल 94 रुपये 2 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर में पेट्रोल की कीमत 107 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर और डीजल 94 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर, डीजल 95 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 94 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर, डीजल की कीमत 95 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज़्यादा किशनगंज में है, जहाँ पेट्रोल 109 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर और डीजल 96 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर दर पर मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, उमेश ऋषिदेव, रंजित मिश्रा, के सिन्हा, नीलेश आर्यन, सन्नी आनंद, शवाना कुशेर, मोहम्मद नौशाद रजा, नुनू कुमार गोलू, कलामुद्दीन अंसारी, भान प्रकाश मौर्य, बाबूलाल मरांडी, अनवर करीम खान, धीरेन्द्र कुमार, ऋषिदेव और जयंती राज। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि विश्वविद्यालयों की लेट लतीफी पर सरकार को क्या ठोस कदम उठाना चाहिए। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही।